हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं AIP प्रोग्राम, जिसमें कनाडा के लिए आप विदाउट वर्क एक्सपीरियंस PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं AIPP प्रोग्राम, एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के बारे में, जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2017 में स्टार्ट किया था और 31 दिसंबर 2021 में उनको फिनिश कर दिया था। ये प्रोग्राम की वैलिडिटी इतनी थी, लेकिन ये प्रोग्राम में गवर्नमेंट को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो उसके बाद ये प्रोग्राम वापिस से 6 मार्च को स्टार्ट किया, जिसका पूरा नाम है AIP, एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो हम ये AIP प्रोग्राम के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। सो ये प्रोग्राम कैनेडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे स्किल्ड वर्कर के लिए बनाया, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट को स्किल्ड पर्सन इनसाइड नहीं मिलते, तो वो बाहर की जो भी एप्लीकेशंस है उनको एक्सेप्ट करते, जैसे कि इंडियंस है या फिर और भी कंट्री से बहुत सारे स्किल्ड पर्सन होते हैं जिनको स्किल वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। यानी AIP प्रोग्राम के अंदर आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो, एक वर्कर वीज़ा के ऊपर, स्किल वीज़ा के ऊपर, और दूसरा है एज अ स्टूडेंट आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर का क्राइटेरिया क्या होता है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कनाडा में 4 रीज़न है, जिसमें फर्स्ट है नोवा कॉसिया, दूसरा है न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, थर्ड है न्यू ब्रुंसविक एंड फोर्थ है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये चारों रीजन में आपके पास जॉब या फिर आप वहाँ पे रह के जॉब करते हुए या फिर स्टडी किए होने चाहिए। सो अब हम बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्किल वर्कर्स जो अप्लाई करेंगे, और दूसरा है इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कैनेडा के 4 एटलांटिक रीजन में पढ़े हुए होते हैं या फिर उनकी पढ़ाई चालू होती है, ये दोनों लोग AIP प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फीस के बारे में। फीस आपको अपफ्रंट नहीं भरनी पड़ेगी, फीस रहती है $1,325 रहती है, पर वो तभी आपको भरनी पड़ेगी जब आपके पास सबसे पहले जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, वो भी फुल टाइम वाला, और उसके बाद आप जब PR के लिए अप्लाई करते हो तो उसको अप्रोक्सीमेटली 12 महीने का टाइम लगता है आपकी फाइल को प्रॉपर प्रोसेसिंग करके आने में, तो उतना जल्दी आपको फीस भरनी नहीं होती है, तो आपके पास काफ़ी टाइम रहता है। सो अब ये PR के प्रोसेस करनी होंगी आपको AIP प्रोग्राम के लिए, तो आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपको क्या क्या डिटेल्स इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर आपको 1560 घंटे 5 साल के अंदर आपने पूरे किए होने चाहिए, 4 में से कोई भी एक रीजन के अंदर। दूसरा है आपका एजुकेशन क्राइटेरिया, आपके पास कोई बैचलर डिग्री या 1 ईयर का प्रोग्राम कैनेडियन गवर्नमेंट के हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए अगर आप स्टूडेंट बेसिस लेवल पे से अप्लाई कर रहे हो तो। उसके बाद आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। लैंग्वेज के अंदर आपको सबसे अच्छा ये रह जाएगा कि जब कनाडा के लिए आप स्टूडेंट के लिए और किसी के लिए अप्लाई करते हो, मिनिमम आपको 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 4.5 या 5.5 बैंड के अंदर भी आप काफ़ी ईजीली अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे लैंग्वेज का इतना आपको जो प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं आएगी, जो मैं आपको आगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पूरा दिखाऊंगी कि किस तरह से आप कौन कौन सी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ये वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की, यहाँ पे आपको इमिग्रेशन थ्रू द एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम हु कैन अप्लाई यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नाउ यहाँ पे मैंने क्लिक किया हु कैन अप्लाई, फिर यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा कि क्वालिफाई आपको जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, फिर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट कौन सी है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कौन सी है, और मनी जो मैंने पूरा आगे वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया वही चीज़ें यहाँ पे है, तो आप एक बार ये वेबसाइट से गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो मैंने बताया कि लास्ट 5 ईयर के अंदर आपको 1560 आर की जॉब कंप्लीट करनी पड़ेगी, राइट, और उसके हिसाब से आप काउंट करोगे तो 1 ईयर के अंदर आपका पर वीक में 30 आर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नाउ आपके वर्क के आर किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो वो यहाँ पे पूरा दिखाई दिया है, उन लोगों ने बताया। उसके बाद आपको इसमें से कोई भी स्किल लेवल के लिए अप्लाई करना है तो नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन NOC के नॉर्म्स दिए हुए हैं, जिसमें Type 0 है, फिर Level A है, Level B और Level C है, तो आप देख सकते हो कि आप कौन से वाले क्राइटेरिया में फिट हो सकती है आपकी प्रोफाइल, वो हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं उनके लिए है कि उनके लिए यू डोंट नीड टू मीट द वर्क एक्सपीरियंस, राइट, तो आप
एक आपके पास कनाडा के जो भी चार रीजन है उसके अंदर से डिग्री, डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेशन करना कर किया हुआ होना चाहिए, और फिर ट्रेड में या फिर अप्रेंटिस करी होनी चाहिए, इसका कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी स्टडी जो भी है वो 2 साल की होनी चाहिए मिनिमम, और उसके बाद आप चारों में से कोई भी एक प्रोविजन के अंदर से ही ये आपका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, और ये चारों रीजन का नेम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। फिर उसके बाद है एजुकेशन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आप पूरी आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी देख सकते हो, और लैंग्वेज का बैलेंस बताया कि लैंग्वेज के अंदर NOC की कैटेगरी के हिसाब से आप कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB और फिर NCLC के हिसाब से आपकी लैंग्वेज का बेंचमार्क आप देख सकते हो, और फंड का जो मैंने बताया था कि फंड आपको किस तरह से मैनेज करना है वो सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई। उसके बाद होता है फंड, फंड भी आपको मैं डिस्कस करूंगी वेबसाइट पे पूरा कि आपको कौन से, अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हो आप या फिर दो लोग जा रहे हो या फिर आपका स्पाउस है, आपका चिल्ड्रन होता है, तो वो किस तरह से उनकी जो भी फंड दिखाना रहता है ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पूरा दिखाई देगा। अगर आपके पास अब जॉब है कैनेडा के अंदर और फिर आप ये AIP प्रोग्राम के थ्रू PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास जॉब का परमानेंट ऑफर लेटर होना चाहिए, जैसे कि हम बोल सकते NOC-C के हिसाब से कि इसके वैलिडिटी मतलब 1 साल की या 2 साल की नहीं होनी चाहिए, तब भी ये प्रोग्राम में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी और एल्स नहीं होगी। जैसे बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि खुद की कंपनी बताते और खुद की कंपनी के अंदर अपने स्पाउस को या फिर खुद ही ऑनर बन जाते और खुद ही एम्प्लॉय बन के ऑफर लेकर लेके फिर ये प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते, तो ऐसे कोई भी सिचुएशन होती है, आप ऐसे कोई भी तरीके से अप्लाई करते हो तो आपकी क्राइटेरिया काउंट नहीं होगी, बिकॉज ऑफ वहां के जो भी कैनेडियन लोग होते हैं उनके वहां से आपको जॉब का ऑफर लेटर लेना रहता है या फिर आपके पास ऑफर मिलती है और वो भी लिमिट टाइमलेस होती है, तो ही आप ये ऑफर को लेके वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था AIP प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट के अंदर आप मुझे बताइए, और हाँ मैंने आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे रखी है, तो आप वहां जाके पूरी एक बार डिटेल्स चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप जितना भी डिटेल में देखोगे तो आपको और ज्यादा आइडिया आएगा। तब तक मैं हूँ मयूरी, जय हिंद।